अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ टार्ट के हवाले से है पब्लिक नुसांस। इससे पहले हम लेक्चर देख चुके हैं नुसांस के बारे में। वहाँ जस्ट हमने नुसांस के बारे में डिस्कस किया था और उसकी जो दो काइंड्स हैं पब्लिक नुसांस और प्राइवेट नुसांस, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिटेल लेक्चर देखेंगे पब्लिक नुसांस के बारे में कि पब्लिक नुसांस होता क्या है और इसको सू कौन कौन कर सकता है और कैसे सू किया जा सकता है, डिफेंसेस क्या हैं। टोटली एक डिटेल्ड लेक्चर देखेंगे इस पर। पब्लिक नुसांस अगर डेफिनेशन देखें, पब्लिक नुसांस इज़ एन एक्ट अफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, कोई ऐसा एक्ट जो पब्लिक को अफेक्ट कर रहा हो जिससे पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है। नुसांस मैंने क्या कहा था, डिस्टर्ब करना होता है ऐसे एक्ट जो क्राइम नहीं होते लेकिन उससे लोग डिस्टर्ब होते हैं। प्राइवेट नुसांस हो तो एक स्पेशल पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन डिस्टर्ब होता है, और पब्लिक नुसांस हो तो उसे पूरी पब्लिक डिस्टर्ब होती है। और पब्लिक सारी की सारी नहीं, लाजमी नहीं कि पूरी सोसाइटी ही डिस्टर्ब हो, कुछ पोर्शन भी हो सकता है। पब्लिक नुसांस इज़ एन एक्ट अफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज और सम कंसीडरेबल पोर्शन ऑफ इट। ठीक है, इसका कुछ कंसीडरेबल पोर्शन भी हो सकता है, अगर वो भी अफेक्ट हो रहा है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर उसे हम पब्लिक नुसांस ही कहेंगे। एंड विद बी इंटरफेरेंस विद द राइट्स एज टू हेल्थ, और ऐसी इंटरफेरेंस, ऐसी मुदाखलत करना लोगों के हकूक में, पब्लिक के हकूक में, पब्लिक के राइट्स में, एज टू हेल्थ जो हेल्थ को अफेक्ट करें, सेफ्टी, सेफ्टी को अफेक्ट करें, कम्फर्ट, इवन किसी की कम्फर्ट को भी अफेक्ट करें। ठीक है, कोई बंदा कंफर्टेबल ना फील कर रहा हो आपकी वजह से, ठीक है, अगर पब्लिक में डिसकंफर्ट क्रिएट हो रहा है और वो आपकी वजह से हो रहा है, तो फिर आप नुसांस क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक नुसांस क्रिएट कर रहे हैं। आर विच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अदरवाइज इंजॉय, या वो राइट्स भी हो सकते हैं कुछ और जिनको सोसाइटी के मेम्बर्स इंजॉय करते हैं लेकिन आपकी वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो फिर वो पब्लिक नुसांस होगा। कल मैंने नुसांस में एग्जाम्पल्स दी थी कि किसी फैक्ट्री का कुछ जहरीला मादा, ठीक है, वो रिवर में फेंक देना, या फिर किसी पब्लिक वे पर कोई रुकावट डालना, ठीक है, जो पब्लिक हाईवे हो या वैसे ही पब्लिक रास्ता हो कोई पब्लिक गली, तो फिर उसमें कोई रुकावट डालना, ये भी एक नुसांस है। और इसी तरह जो स्मोक होता है, भट्ठे का स्मोक हो गया या फिर फैक्ट्रीज़ का स्मोक हो गया, जो नुसांस क्रिएट कर रहा हो पब्लिक में, उसे हम पब्लिक नुसांस कहेंगे। तो फिर वही एग्जाम्पल्स पब्लिक नुसांस के लिए, अगर एग्जांपल्स देखें, एक तो होता है ना प्राइवेट नुसांस, वो तो एक स्पेसिफिक पर्सन जब डिस्टर्ब हो रहा हो, लेकिन जब पूरी पब्लिक या फिर सम पोर्शन डिस्टर्ब हो रहा हो पब्लिक का, उसे हम पब्लिक नुसांस कहते हैं। इसके एग्जांपल में अनलॉफुल यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर आप अनलॉफुली यूज़ करें जिससे पब्लिक डिस्टर्ब हो, ठीक, लाउडफुल स्पीकर आप यूज़ करते करते रास्ते से गुजरते जा रहे हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, आपके रिक्शा में लगा हुआ है, ठीक, या इवन आप आजकल तो मस्जिदों में भी इजाज़त नहीं है इतना लाउड इस्तेमाल करने की, क्योंकि पब्लिक डिस्टर्ब होती है, ठीक है, आप उस हद तक स्पीकर यूज़ करें जिस हद तक मस्जिद में आवाज़ जाए, वहाँ बैठे लोग सुन सकें, अदरवाइज़ इतने लाउड स्पीकर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिससे राह चलते बंदे भी डिस्टर्ब हों। मस्जिदों में भी ऐसा अलाउ नहीं है, ठीक, बाकी तो फिर दूर की बात है कि कोई बंदा सॉन्ग चलाए या फिर कोई अपनी गाड़ी में या कोई ऐलान करता हुआ, ठीक है, पब्लिक वे पर शोर करे, वो तो वैसे भी डिस्टर्बेंस है, तो अलाउ नहीं है। डिस्चार्ज द केमिकल वेस्ट इन रिवर, कोई भी फैक्ट्रीज़ का केमिकल जो वेस्ट होता है उनको रिवर में, जैसे आमतौर पर होता है, ठीक है, वो जो वेस्ट होता है उनको निकालने के लिए वो रिवर में फेंक देते हैं। अब वो रिवर में जो केमिकल वेस्ट जा रहा है, वो पानी ज़ाहिर है लोग इस्तेमाल करेंगे, उससे भी पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, पब्लिक के लिए नुकसान है, तो फिर ये भी पब्लिक नुकसान होगा। ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पब्लिक वे, ये सब एग्जांपल्स हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पब्लिक वे, कोई आवामी रास्ता है उस पर आप रुकावट डाल दें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मकान बन रहा है, वहाँ एक आवामी रास्ता है, आपने जी वहाँ रुकावट डाली हुई, आपका मटेरियल पड़ा हुआ है, लोग वहाँ से गुजर नहीं सकते, या कुछ और भी, ठीक है, तो फिर जब आप किसी पब्लिक वे पर रुकावट डालते हैं, वो भी पब्लिक नुसांस होगा, क्योंकि पब्लिक उससे डिस्टर्ब होगी, वहाँ से उनके गुजरने का रास्ता नहीं होगा। ये पब्लिक नुसांस के सम एग्जांपल्स हैं। आगे जी, हु कैन सू, सू कौन कर सकता है। प्राइवेट पर्सन कैन नॉट सू,
ठीक है, फॉर पब्लिक नोसांस, प्राइवेट पर्सन सू नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट नोसांस नहीं है, ठीक है, एक पब्लिक नोसांस है, इसके लिए कोई स्पेशल अथॉरिटी सू करेगी, प्राइवेट पर्सन सू नहीं कर सकता। हाँ, सम एक्सेप्शंस हैं कि प्राइवेट पर्सन भी सू कर सकता है, लेकिन उन हालात में जब स्पेशली, ठीक है, डायरेक्टली नुकसान पहुँच रहा हो किसी प्राइवेट पर्सन को। देखते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के नॉट सू एक्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस हों तो फिर प्राइवेट पर्सन भी सो कर सकता है। इफ अ प्राइवेट सफर्ड, इफ अ पार्ट प्राइवेट, इफ अ प्राइवेट पर्सन सफर्ड अ पर्टिकुलर इंजरी, अगर प्राइवेट पर्सन को स्पेशल कोई इंजरी आ रही है, डायरेक्टली उसको इंजरी काज हो रही है, फिर वो सो कर सकता है, अदरवाइज वो सो नहीं कर सकता। इंजरी मस्ट बी सब्सटेंशियल, ठीक है, इंजरी सब्सटेंशियल भी होनी चाहिए, उसे कोई जिस्मानी तौर पर फिजिकली कोई नुकसान होना चाहिए, ठीक है, कोई सब्सटेंशियल कोई ख़ास किस्म का नुकसान हो, फिर जाके प्राइवेट पर्सन पब्लिक नुकसान के लिए सू कर सकता है, अदरवाइज पब्लिक नुकसान के लिए प्राइवेट पर्सन सू नहीं कर सकता, उसे सू करने के लिए कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी होगी। जैसे कि आप लगा लें असिस्टेंट कमिश्नर है, अब लेट्स से एक सिटी है उसके अंदर कोई पब्लिक नुकसान हो रहा है, ठीक, तो वहाँ तो असिस्टेंट कमिश्नर हैं तैनात किए हुए, उनकी ड्यूटी है, वो उसको रोकेंगे भी सही और उस पर रेमेडीज़ भी लेंगे, उनको जुर्माना भी लगाएंगे, फ़ाइन भी करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो सारा होगा, लेकिन प्राइवेट पर्सन सू नहीं कर सकता। आगे रेमेडीज़ के बारे में बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ रेमेडीज इन पब्लिक नुकसान्स, सिविल रेमेडी एंड क्रिमिनल रेमेडी। अंडर सेक्शन 91 ऑफ CPC, सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 91 के तहत, एडवोकेट जनरल आर टू पर्संस अथोराइज्ड बाय हिम, एडवोकेट जनरल सू कर सकता है, या दो पर्सन कोई ऐसे जिनको अथोराइज किसने किया हो, एडवोकेट जनरल ने अथोराइज किया हो, वो भी सू कर सकते हैं। इन राइटिंग कैन सू फॉर पब्लिक नुकसान, पब्लिक नुकसान के लिए इन राइटिंग वो सू कर सकते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। अगर क्रिमिनल रेमेडी की बात करें, या पर्सन कमिटिंग पब्लिक नुकसान मे बी प्रोसीड अगेंस्ट अंडर क्रिमिनल लॉ, उसको क्रिमिनल रेमेडी भी ली जा सकती है उससे, और क्रिमिनल लॉ में भी उसे सू किया जा सकता है अंडर सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बिकॉज पब्लिक नुकसान इज अ क्राइम, ठीक है, क्योंकि पब्लिक नुकसान जो हो रहा है वो क्राइम हो रहा है। ये बात तो कई बार रिपीट हो चुकी है कि पब्लिक में जो नुकसान होता है, पब्लिक को जो नुकसान होता है वो एक क्राइम होता है, ठीक है, और वो स्टेट अपने खिलाफ ही समझती है, तो फिर सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी सू किया जा सकता है क्योंकि पब्लिक नुकसान एक क्राइम है। ये थी दो टाइप की रेमेडीज, सिविल रेमेडी एंड क्रिमिनल रेमेडी। अगर डिफेंस देखा जाए कि हमने आज तक देखा, जितने भी टॉट के लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो हर टाइप के टॉट में कोई ना कोई डिफेंस भी मौजूद होता है कि जो डिफेंडेंट है वो क्या डिफेंस यूज़ कर सकता है कि ये रेमेडी उस रेमेडी की लायबिलिटी से खुद को आज़ाद करवाने के लिए। तो इसमें जस्ट एक ही डिफेंस है, एन एक्ट अथराइज बाय द स्टेट, अगर उस एक्ट को स्टेट ने अथराइज किया है, ये आपके पास डिफेंस है, फिर आप कह सकते हैं इस रेमेडी के लिए मैं लायबल नहीं हूँ, ठीक है, फिर आपको आप उस लायबिलिटी से खुद को आज़ाद करवा सकते हैं अगर स्टेट ने आपको अथराइज किया हुआ है। इसके अलावा आप पब्लिक नुकसान क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, ठीक है, अगर स्टेट ने आपको अथॉरिटी दी है, फिर आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रोड बन रहा है, ठीक है, अब वो अथॉरिटी भी स्टेट की तरफ से है और वो है भी पब्लिक के फ़ायदे के लिए, अब उसमें ज़ाहिर रुकावट भी आएगी उस रास्ते से गुजरने के लिए, मसले मसाइल भी बनेंगे आवाम के लिए, ठीक है, तो दोज़ प्रॉब्लम्स वर क्रिएट बिकॉज ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक की खुशहाली के लिए, पब्लिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जब वो काम हो रहा है और अथराइज बाय स्टेट भी है, फिर उसके लिए वो पब्लिक नुकसान नहीं होगा, वो उसे हम रेमेडी भी नहीं ले सकते, उसे कोई सू भी नहीं कर सकता बिकॉज अथराइज बाय स्टेट है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम प्राइवेट नुकसान के बारे में देखेंगे कि प्राइवेट नुकसान क्या होता है, उसे हम कैसे सू कर सकते हैं, उसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या डिफेंसेज होते हैं उसके पास। नेक्स्ट और लेक्चर से अवेयर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।